विदिशा जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया अजीत के गांव गोरिया खेड़ी में रहवासियों को हो रही परेशानी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव की वजह से बच्चों, महिलाओं, पुरुषों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध जताया। वहीं ज्ञापन सौंपकर बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। रहवासियों ने बताया कि कई दिनों से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरे में सर्पदंश से दो व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश मुख्यालय तक शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन हल अभी तक नहीं हुआ। जी भाई, लाइट का मामला है भाई साहब। ये अटल ज्योति अपनी 3-4 वर्षों से लगभग चालू हुई है, हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था नहीं है। हम प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, कलेक्टर महोदय जी के यहाँ भी 2-4 आवेदन दिए हैं, SDM अपने विधायक महोदय, क्षेत्रीय कंपनी भोपाल तक हम लोग घूमे आए हैं, 181 भी 10 बार फोन लगाया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3-4 वर्ष हो गए हैं सर, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, 1-2 लोगों की मृत्यु हमारे यहाँ सर्पदंश से भी हो चुकी है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? आवेदन हमने दिया है यहाँ पे ज्ञापन, उसमें पावती लगी हुई है, 2-3 बार है यहाँ पे, इससे हटके भोपाल दिया है 1 बार, 2-3 बार अपना यहाँ पे विद्युत मंडल में भी दिया है, कोई सुन नहीं रहा है। कितने घर होंगे ऐसे जो बिना लाइट? 20-25 परिवार हैं हमारे अलग सलग। कब से लाइट नहीं है वहाँ? जब से अटल ज्योति चली है तब से अभी तक है ही नहीं। हमारे यहाँ लाइट की परेशानी है, पानी की परेशानी है और रोड की परेशानी है, रहने का कोई साधन नहीं है हमारे पास, और बच्चे उन हम सब बस्ती वाले सब परेशान हैं, हर बात से परेशान हैं। हमारे बच्चे उन बीमार हो रहे हैं, हम मजदूरी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो भी हम हमारा इलाज नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, और ना हमको कोई सुविधा दे रहा है और ना हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। मच्छर खा रहे हम शिकायत कर करके परेशान हैं। यहाँ काय के लिए आई हो? यहाँ हम इसीलिए आए हैं कि हमें हर बात की सुविधा दी जाए, लाइट चाहिए हमें, सड़क चाहिए हमारी सड़क बनी जाए, पानी चाहिए हमें, पानी की सुविधा करी जाए हमारी, लाइट होगी तो पानी मिलेगा और लाइट होना चाहिए हमें। कौन सा ग्राम कौन सी पंचायत लगती है? गोरिया खेड़े, पिपरिया, पिपरिया अजीत पंचायत, तहसील विदिशा। कितने परिवार हैं जो परेशान हो रहे हैं लाइट के चलते? हमारे यहाँ करीबन 2500-3000 से लगभग है हमारे यहाँ, और हर इंसान इस बात से परेशान है लाइट के कारण ज्यादा। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।